चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का 22वां दिन क्रमिक भूख हड़ताल जारी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को मिलाकर नवीन जिला के नाम के साथ एक जिला बनाने की घोषणा के बाद ही चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग उठाने लगी और चिरमिरी क्षेत्र की जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चिरमिरी के मुख्यालय खोले जाने के लिए आक्रामक भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसका आज 22वां दिन है, जहां हर जाति के हर धर्म के व्यवसाय के लोग इस आंदोलन में भाग लेकर जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सबका एक ही नारा है कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए। जब हमने आज अनशन पर बैठे कुछ महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि जब तक चिरमिरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाया जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। चिरमिरी में पर्याप्त जगह है जहां जिला मुख्यालय बनाया जा सकता है। जब हमने अनशन पर बैठी महिलाओं से बातचीत की, अगर जिस तरह से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर का नाम जोड़कर एक नवीन जिले की घोषणा की गई है, क्या संभव है कि कुछ कार्यालय चिरमिरी में कुछ कार्यालय मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर में भी खोले जाने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। क्या ऐसा संभव है? इस पर महिलाओं ने कहा कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए, सभी कार्यालय यहां स्थापित किए जाएं ताकि सभी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चिरमिरी में कोयला खदान बंद हो रही है, यह कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए चिरमिरी को ही जिला मुख्यालय बनाना अति उत्तम होगा, क्योंकि कोरिया जिले की सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्र चिरमिरी क्षेत्र है, जो नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र की आबादी मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर से कहीं ज्यादा है, जिसे देखते हुए राज्य शासन को चाहिए कि चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाया जाए ताकि सरकार के लोगों को फायदा मिल सके, यहाँ का व्यापार और व्यापारियों को भी आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिल सके, जिसके लिए आंदोलन जारी है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती यह आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जो आज का 22वां दिन चल रहा है, समझे, जिला मुख्यालय बनाने के लिए, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है चिरमिरी को हमेशा ही शासन प्रशासन अनदेखा किए हैं, लेकिन थोड़ा सोचना कि चिरमिरी में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा संख्या था, होने के बावजूद भी हम चिरमिरी वासी हमेशा वंचित रहते हैं। इस कारण हम सब चाहते हैं कि चिरमिरी को मुख्यालय को कौन से स्थान बनाना चाहते हैं? चिरमिरी को। आपका नाम? मैं ये बताइए, जो ये आंदोलन चल रहा है जिला मुख्यालय बनाने के लिए, क्या आपको लगता है कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय बन जाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। क्या जिस तरह से भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ के जनता मांग कर रही है कि हमारे यहाँ भी कार्यालय बनना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आधा कार्यालय चिरमिरी बने, आधा मनेन्द्रगढ़, आधा भरतपुर, ऐसा हो सकता है क्या? अब वो शासन प्रशासन का वो है कि क्या बनाते हैं, लेकिन हमारी मांग तो है कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनना चाहिए, और यहाँ का पॉपुलेशन देखते हुए और यहाँ का जो चिरमिरी जो संकट में है, यहाँ का स्थायित्व जो है। नहीं, आपने संकट की बात की, किस टाइप का संकट है? संकट ये है कि मतलब चिरमिरी का जो अस्तित्व है वो खतरे में है, वो मतलब जो यहाँ से पलायन हो रहा है, जब कोयला खत्म होने का मतलब वो चल रहा है, तो जितने नौकरी कर रहे थे।